हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर फिट एंड फाइन और हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हाँ जी बच्चों तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट थ्री में आई वेलकम यू ऑल और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है एटम्स ऑफ सेवन एलिमेंट्स सेवन एलिमेंट्स दिए हैं और उनके एटम्स कौन से हैं ए बी सी डी ई एंड ई एफ एंड जी उनके बारे में क्या बोला है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेल्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स उनकी डिफरेंट हैं, बट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल बट उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है बड़े ध्यान से सोचो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स डिफरेंट है यानी कि पीरियड जो हुए वो डिफरेंट हुए और इन्होंने क्या बोला है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इसका मतलब बाहर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ग्रुप क्या हुआ वो तो एक ही होगा बट पीरियड्स इनके क्या होंगे डिफरेंट होंगे यानी इन सातों एलिमेंट्स के पीरियड्स अलग अलग हैं दे आर इन डिफरेंट पीरियड्स बट ग्रुप इनका बिल्कुल सेम है राइट right? आगे क्या क्वेश्चन है द एलिमेंट ए एंड सी कंबाइन विद क्लोरिन टू फॉर्म एन एसिड एंड कॉमन सॉल्ट रिस्पेक्टिवली यानी कि ए जब क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो एसिड बनेगा यानी कि ए सी एल बनेगा एंड जब सी कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ तो बनेगा कॉमन सॉल्ट राइट चलो हो गया जी अभी हमें पता नहीं है ए एंड सी क्या है इसीलिए अभी आपने कुछ भी आइडिया नहीं लगाना अब क्या है द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ए इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यानी कि ए का जो ऑक्साइड है यानी कि जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस ये न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा जो भी लिक्विड बनेगा वाइल द ऑक्साइड्स ऑफ रिमेनिंग सिक्स एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर जबकि जो बाकी ए को छोड़कर बाकी जितने भी हैं जो उनके ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक है नेचर में ए न्यूट्रल है बाकी सारे बेसिक हैं बेस्ड अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग आपने इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है तो पहला क्वेश्चन क्या है कुड द एलिमेंट ए बी एलिमेंट ए क्या हो सकता है जैसे हमने बात की कि एलिमेंट ए क्या है ए के साथ क्लोरिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा एसिड uh, बनाएगा ठीक है दूसरा अगर वो ऑक्सीड ऑक्साइड है जो उसका ए का वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और हमें ये दिया है ए फर्स्ट एलिमेंट यानी अगर हम इसको हाइड्रोजन मान के चले अभी हम नहीं कंक्लूड नहीं कर रहे कि हाइड्रोजन है, है अगर हम हाइड्रोजन मान के चलते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो होता है एच यानी कि ये एक एसिड है ठीक है इसके बाद अगर ये ऑक्साइड होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा वाटर जो लिक्विड है एंड न्यूट्रल है ठीक है तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर निकला कि ए जो है हाइड्रोजन होगा बिकॉज इट्स ऑक्साइड वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये हमें ऊपर वाले पोर्शन से हमें पता चल गया ठीक है कि क्या होगा अब अगला क्वेश्चन क्या है ट्स ए टू जी ए टू जी सेवन एलिमेंट है बिलोंग टू सेम पीरियड और सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल वो पूछ रहे है वो सेम ग्रुप से है या सेम पीरियड से है ये आपको बताना है अब जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा कि इनके आउटरमोस्ट शेल तो डिफरेंट है बट वेलेंस सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि उनका ग्रुप सेम हुआ ये सेम पीरियड नहीं हुआ तो ए टू जी बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल क्यू बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देर आउटरमोस्ट शेल समझ आ गए आपको बच्चे कि यहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के बहुत देखो कि इतने अगर हम ध्यान से कुछ अगर हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट ए विद ऑक्सीजन ए का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा ए टू क्योंकि जैसे हमें पता चला कि ये वाटर है हमने जब एक कंपाउंड को क्या बताया हाइड्रोजन है ये तो इसका क्या बनेगा कंपाउंड एच ए टू ओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शो द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट सी विद क्लोरीन यानी सी का क्लोरीन के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा अब ये कैसे पता चलेगा जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्या देखा है कि इनके पीरियड्स अलग है बट इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो सेम है यानी कि अगर हमने ए को हाइड्रोजन बताया है तो इसका मतलब क्या हुआ है हाइड्रोजन के वैलेंसी क्या है वन है तो यानी कि जो एलिमेंट सी है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए वन हुए तो यहां हमने बनाया सी के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरिन का हमें पता है सेवन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो इस यहाँ पर क्या होगा ये हुई मेटल और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल तो जब मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है यानी कि ये ट्रांसफर होते हैं तो ये क्या हुआ इसने यहाँ पे ये सी एलिमेंट का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो गया यानी कि ये सी प्लस बन गया और क्लोरीन का क्या बन गया माइनस में यानी ये एनायन हो गया ये केट क्योंकि उसने एक लिया और उसने एक दिया ठीक है समझ आया बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वट वुड बी द रेशो रेशो बता रहे हैं पे ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन अ कंपाउंड ठीक है एक कंपाउंड बनाना है उसमें कंबाइनिंग एटम्स का कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ए विथ कार्बन एलिमेंट ए ठीक है अभी बात हुई वो उसके पास एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका हमें बताना है कार्बन के पास अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं फोर यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए फोर और इलेक्ट्रॉन्स तो अगर ए के पास एक ही है तो इसका मतलब कितने एटम्स होंगे इसके एलिमेंट के फोर एटम्स क्योंकि यहाँ पे इसको चार चाहिए ना और यहाँ पे एक है तो इसका मतलब तीन और लेने पड़ेंगे तो इसका मतलब ये बन जाएंगे ये चार एटम्स होंगे तो उन्होंने यही पूछा वुड बी द ऑफ ऑफ नंबर एटम्स इन अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन लेना है ए एलिमेंट का कार्बन के साथ यानी रेशियो क्या हुआ फोर इज टू वन फोर हमारे हो गए एटम्स ए एलिमेंट के और वन हो गया कार्बन का इसके बाद का क्वेश्चन है गिवन एलिमेंट इज लाइकली टू हैव द स्मॉलेस्ट एटोमिक रेडियस स्मॉलेस्ट एटोमिक रेडियस किस एलिमेंट का होगा जो भी हमने आज तक पढ़ा है हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम लोग रेफ्ट लेफ्ट से राइट right तक जाते हैं तो क्या होता है अटोमिक रेडिय डिक्रीज होता है यानी कि इसका ज्यादा होगा फिर आगे जितने भी एलिमेंट्स राइट की तरफ जाएंगे उनका कम होता जाएगा बट यहाँ पे हमारे को दिया क्या है ये बड़े ध्यान से देखना है हमारे को यहाँ पे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में दिए हैं पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पीरियड्स हैं तो वेन वी गो डाउन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या फर्क पड़ता है तो क्या होता है एटॉमिक रेडियाई बढ़ता चला जाता है इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट right डिक्रीज होगा बट ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ए टू जी तक यहाँ ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे जी अब ये पीरियड इनका अलग है ना बट ग्रुप तो सेम है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं तो हमें बताना है एटॉमिक रेडियस जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट किसका है तो जैसा मैंने आपको बताया जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला होगा उसका एटोमिक रेडिय सबसे कम होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ए जो एलिमेंट है उसका एटोमिक रेडिय सबसे कम हुआ अब आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग टेबल इस टेबल में सिक्स एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ राइट और लेटर्स आर नॉट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एलिमेंट है वो अपने एलिमेंट है ठीक है ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इनके एटॉमिक नंबर क्या है थ्री टू एटीन अब यहां हमें ये टेबल खुद से बना हुआ दिया है हमने खुद नहीं अरेंज करना कि ये जो है थ्री जिसका एटॉमिक नंबर है वो ए है इसके आगे बी का बी का कितना है सी का है यह एलिमेंट नहीं है उन्होंने खुद से ही दिया है क्या आपको दिया गया है अब क्वेश्चन क्या आता है विच ऑफ द हैलोजन इज नॉबल विच ऑफ दिस विच ऑफ दीज़ इज हेलोजन ठीक है इसमें हेलोजन कौन सा है हेलोजन क्या है जिसका जो है ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट ऑलरेडी है तो यहाँ पे कौन सा हुआ अगर यहाँ बात करें इसकी बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट्स अगर हम स्टार्ट करें ए का क्या है कॉन्फ़िगरेशन टू और वन इसका क्या है टू एट और वन ट्वेल्व का टू एट टू टू एट फोर यहाँ पे क्या हुआ टू फोर हो गया टू सिक्स हो गया टू एट सेवन हो गया इसका क्या हुआ टू एट हो गया ठीक है अब नॉबल गैस कौन सी हुई और इसका क्या हुआ हमारा टू एट एट बट यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट नहीं है तो जो हमारा जी कंपाउंड जी एलिमेंट दिया है इसकी वैलेंसी है टू एट यानी इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ये ऑलरेडी क्या हुई नोबल गैस हुई तो यहाँ पे अगर इस टेबल को देखा जाए तो सिर्फ जी एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी क्या है नोबल गैसेस में आ रहा है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज इज हेलोजन अब हेलोजन कौन सा है इसमें हेलोजन कौन से होते हैं जो भी एलिमेंट होते हैं जो जिनके पास क्या है वन इलेक्ट्रॉन की जिनको जरूरत होती है वो हेलोजन बन जाएगा अब यहाँ पे कौन सा ऐसा है ठीक है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ए एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में वन है यानी कि ये तो देगा ना लेगा तो नहीं ना उसके बाद यहाँ जब हम लेफ्ट से राइट right तक देखें तो लास्ट में हमारे पास एफ एलिमेंट आता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है टू एट सेवन यानी कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो ये हेलोजन बन जाएगा तो ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो इस टाइम पे हेलोजन कौन सा हुआ एफ एलिमेंट यहां पर हेलोजन हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इफ बी एलिमेंट कंबाइन विद एफ वुड बी द ऑफ कंपाउंड बी एलिमेंट अब यहाँ पर बी एलिमेंट की क्या है अटोमिक नंबर इलेवन है ठीक है और एफ की कितनी है हमारे पास सेवनटीन है तो चलिए देखते हैं यहाँ है सेवनटीन यानी कि बी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हुई टू एट वन और इसकी क्या हुई टू एट सेवन यानी कि इसके पास हुआ वन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्टर में और ये है सेवन तो इसको एक की जरूरत है तो क्या करेगा बी से ये इसको ये लूज कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा कंपाउंड बी एफ एक किसको चाहिए था एक इस, इसके ने देना था तो ये बन गया कंपाउंड बी एफ नेक्स्ट क्या है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सी एंड ई सी एंड ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताना है तो सी कहाँ पर है हमारा ये है हमारा सी यानी कि ट्वेल्व हुआ टेन एटोमिक नंबर और अगला है ई e, ई e का हुआ एट यानी कि ट्वेल्व और एट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताना है ट्वेल्व यानी टू एट टू एंड ई का क्या है एट यानी कि टू सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द फॉलोइंग टेबल आर गिवन एट एलिमेंट्स यहाँ एट एलिमेंट्स दिए गए एच स आर नॉट द यूज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर लेटर्स जो है सिंबल नहीं है ठीक है और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है साथ में इनकेटोमेंट डिफरेंट ये ग्रुप है different, different, ये groups हैं और ये साथ में इनके अटोमिक नंबर है क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ एफ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हुआ ये ग्रुप टू में है ट्वेल्व इसका एटोमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हुआ टू एट टू ठीक है

और उसके बाद कितने बचे दो इलेक्ट्रॉन से तो बचे यानी कि कितनी शेल्स हुई वन टू थ्री थ्री शेल्स हुई एफ एलिमेंट के पास अब अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो क्या पता चलता है यह है ई एफ जी एंड एच ये हमारे पास चार एलिमेंट है जिनका पूछा है अब क्योंकि हम हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ इनका ग्रुप तो सेम है तो सबसे बड़ा कहाँ पर डिफरेंस हुआ यहाँ इनके पीरियड में यानी कि जो एच एलिमेंट है उसके शेल्स ज्यादा हुई इसलिए वो बड़ा हुआ उससे कम जी फिर उससे उससे छोटा एफ फिर उससे छोटा ई यहाँ डिफरेंस किस चीज में आ रहा है ये फिर से सुन लीजिए इनका ग्रुप सेम है डिफरेंस अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है इनकी शेल्स में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इनके पीरियड्स में डिफरेंस है इसलिए इनकी शेल्स में भी डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा नीचे आते हुए शेल्स पड़ेंगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो सेम हम इसे कैसे लिखेंगे G, G F, F e यानी पहले सबसे 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 बड़ा बड़ा जिसके फिर 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 उससे उससे छोटा 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 और अब क्या क्वेश्चन है स्टेट वेदर एफ इज मेटल और नॉन मेटल एफ मेटल है या नॉन मेटल है तो क्योंकि एफ जो है ग्रुप टू में है तो क्या हुआ ग्रुप टू के मेटल होते हैं इसीलिए मेटल हुआ साथ में इसकी वैलेंसी क्या है दो

बी ई एड एफ राइट बच्चों तो थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो आप एक बार उसे ध्यान से करिएगा और क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट सेशन यानी कि पार्ट फोर में आपके साथ मिलती हूँ तो तब तक पढ़ते रहिए और इन्जॉय करती रहिए एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए बट स्ट्रेस नहीं लेना कोई भी मेरा चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए चलिए थैंक यू